नमस्कार, मैं सोनम कुमारी, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। खबर है प्रयागराज से। बता दें, उप जिलाधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए प्रशासन की मिली भगत से चक्का मार्ग पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। पार्टी की शिकायत पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तहसील थाना सुराव के उदय चंद्रपुर गाँव निवासी अजय कुमार पुत्र राजकरण मौर्य का आरोप है कि गाँव के ही जितेंद्र कुमार पुत्र राम मूरत और उनके परिवार के अन्य सदस्य एकजुट होकर के चक मार्ग संख्या 493 पर अवैध निर्माण करा रहे हैं, जिस रास्ते से पार्थिव गांव के लोगों का लगातार आना जाना है, जिसकी शिकायत उपजिलाधिकारी सुराव अनिल चतुर्वेदी से की गई। लेकिन प्रशासन उपजिलाधिकारी के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए निर्माण कार्य जारी रखवाया है। मौके पर पहुंचे लेखपाल हो रहे अवैध निर्माण को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन दबंगों ने लेखपाल के साथ भी गाली गलौज करते हुए वहां से भगा दिया, जिसे लेखपाल ने दबंगों के खिलाफ अवैध निर्माण के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पार्थी का आरोप है कि विपक्ष पार्टी का एक व्यक्ति चंदौली थाने में उप निरीक्षक पर तैनात है, जो वर्दी हनक दिखाते हुए प्रशासन की मिली भगत से लगातार ये निर्माण करवा रहा है। ठीक है, उसमें जो है हमारे विपक्ष में जो पड़ोसी हैं वो जो है चक रोड पे मकान बना रहे हैं, और वो रास्ता है सार्वजनिक। हम ये चाहते हैं कि रास्ता कोई रोके ना, उनको मना किए कि रास्ता छोड़ के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोले कि नहीं, सब लोग रास्ते में बनाते हैं, हम भी बनाएंगे। तो हम कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग बनाए हैं नहीं बनाए हैं, मगर आप मत बनाइए। क्या नहीं, हम बनाएंगे, जो करना हो कर लो। उनके नहीं ठीक है, फिर हम फ़ोन कर रहे हैं, फिर 100 बोले कर लो। तो हमने 100 फ़ोन किया, तो यहाँ पे भी पुलिस आई, देखी उसी, उसके बाद बोली कि आप लोग थाने चलिए। तो बोले हम स्टाफ हैं, थाने में नहीं जाएंगे, जाओ थाने, यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो वो साथ में आए दोनों लोग, यहाँ एक SI साहब से उन्होंने बोला कि क्या मैटर है। तो हमारे आने से पहले वो जाकर अपना समझ भी लिए थे, समझे। तो उसके बाद फिर हमें बुलाया गया अंदर, तो गए तो बोले कि क्या बात है। उनके सर ऐसे ऐसे बात है कि भाई साहब रास्ते में जो है मकान भी बनाए हैं, एक वो फिर ले के, इसके अलावा जो है बारजा और सीढ़ी ये सब बनाने के प्रयास में बारजा उनका काम लगा हुआ है, बन रहा है। तो SI साहब बोले कि नहीं नहीं ठीक है, ये सब लिए आप मत समझिए, ये लेखपाल और प्रधान के काम है। और तमाम लोग यार देखो, यहाँ सुराव में भी कई लोग ऐसे हैं कि बनाए हैं मकान और बारजा और सीढ़ी सब बनाते हैं, कोई नहीं रोकता। उनके साहब आप सहमत हैं इसका मतलब क्या है? वो SI कौन है जो आपको ये बात कह रहे थे? SI साहब नंबर नहीं और नाम तो नहीं मालूम है, वो अपना नंबर लिख के बाद हमको दिए गए, बोले कि अगर सीढ़ी बनाएंगे तो हम को बताइएगा, बाकी बारजा बनाने दीजिए। तो हमने कहा सर ऐसे थोड़ी, ये बारजा बन जाएगा एक साथ, फिर रास्ता ही बचा है और उसी में बारजा भी बना लेंगे। नहीं तो उस मामले में आपने क्या उप जिलाधिकारी लेखपाल साहब को सूचना दी है? हाँ सर, हमने जब यहाँ से हमको जबरदस्ती फिर बोले कि सुलहनामा लिख दीजिए, आप लोग समझ लीजिए, नहीं तो हम आपको समझा देंगे कायदे से। तो हम दबाव में थे सर, हमने बोला ठीक है लिख लीजिए, आप मत दिए तो हमको साइन ऑन करवाए लिख के। तो दोनों पक्ष साइन ऑन किए, उसके बाद हम चले गए। तब लेखपाल उपाधान को हम पहले सूचित कर दिए थे कि भैया ये बन रहा है, आके आप लोग समझिए। तो लेखपाल साहब उपाधान दोनों लोग गए वहाँ, तो वहाँ नेपाल से भी बाहर वहाँ कर लिए, बोले नेपाल ही तुम्हारी ऐसी कैसी कर देंगे और तुम फजूल मत यहाँ परेशान हो। तो नेपाल साहब 100 फ़ोन किए, तो 112 फिर वहाँ पहुँची जो है, तो वो भी बोले, तो उनको भी बोले हम स्टाफ हैं, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा, आप जाइए। तो वो जो सिपाही थे 100 पे, वो बोले आप साहब जाके थाने में अपना करवाइए कार्रवाई, ये तो चकमार पे बना रहे हैं, हम नहीं रुक रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, थाने पर चलिए। तो वहीं नेपाल साहब आए, फिर यहाँ जो है अपना FIR साथ दर्ज कराए, क्या कराए हमें जानकारी भी नहीं थी। तो दूसरे दिन हमको वहाँ धमकी उमकी देने लगे, जब इनको मालूम हुआ कि हमारे नाम FIR हो गया है, बोले कि हम तुमको गांजा फेंक के फंसा देंगे, तुमको चोरी में फंसा देंगे, हमारे स्टाफ के लोग यहाँ भी हैं, थाने पर भी हैं, हरवाई थाने में भी हैं, इनके लोग के माध्यम से तुमको हम यहाँ जीने नहीं देंगे, तुमको जेल में ही सड़ाएँगे। उनका नाम क्या है जो आपको आए दिन गांजे में या अन्य चीज़ों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं? ये जितेंद्र कुमार मौर्य हैं, उनके पिताजी के नाम राम मूरत मौर्य है, थोड़ा सा परिवार से बड़े हैं और नौकरी उकरी है, इसलिए ज़्यादा दबंगा ही दिखाते हैं, इसके पहले उन्हीं के परिवार का एक मामला। तो SDM साहब को आपने जब सूचना दी, तो SDM साहब ने क्या बोला? SDM साहब को हमने एक वकील साहब को पकड़े, थाना जो बार एसोसिएशन अध्यक्ष हैं उनको हमने पकड़े, उनके सर ऐसे ऐसी बात है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और फिर यशो साहब जो है, SDM साहब जो है, यशो साहब को फिर लिखे, बोले हम वार्ता कर देते हैं, काम रुक जाएगा, तो आप उसमें लिखे और अपने चपरासी से भिजवाए,
मगर वहाँ रातों दिन 3 दिन के अंदर उन्होंने पक्का ढोला बना के और हमारे घर फिर मीठा पहुँचा दिए। मतलब आपका कहने का मतलब है SDM के आदेश के बावजूद भी प्रशासन की मिली। आज की खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।